लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वट आर लर्निंग डिफ़िकल्टीज लर्निंग मीन्स टू लर्न एंड टू मॉडिफाई द बिहेवियर सो वट आर डिफ़िकल्टीज दैट पीपल आर फेसिंग एंड दैन दे आर नॉट एबल टू मॉडिफाई बिहेवियर अब लर्निंग डिफ़िकल्टीज का मतलब ये है कि जो आप सीखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है चाहे वो एक्डेमिक है या आपका कोई लर्निंग प्रोसेस और है जिसको आप सीख रहे हैं तो बेसिकली इसको एक्डेमिक के साथ एसोसिएट किया जाता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं यहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टीज़ आर ड्यू टू जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ दोनों हम बात करेंगे जेनेटिक भी हो सकती है एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं uh, इसमें जेनेटिक का मतलब यह है कि जब आपका बायोलॉजिकल uh, प्रॉब्लम uh, आता है तो उससे भी रनिंग डिस डिसबिलिटीज़ डिस आती हैं जैसे डिसलेक्सिया है डिसकलकलिया है डिसग्राफिया है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है ब्रेन की मेल फंक्शनिंग की वजह से बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को और वो किसी चीज़ को लर्न करने में प्रॉब्लम उनको होती है जैसे डिसलेक्सिया है तो उसमें एक मूवी का मैं हवाला देती हूँ जैसे तारे ज़मीन पर है उसमें डिसलेक्सिक चाइल्ड को जब उसकी टीचर पूछती है कि आपको वर्ड्स अब क्यों नहीं ठीक तरह से पढ़ रहे और मुझे रिस्पॉन्ड करे सो द चाइल्ड रिस्पॉन्डिड दैट वर्ड्स आर डांसिंग वर्ड्स आर डांसिंग इट मीनस के उसकी ब्रेन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उन वर्ड्स के ऊपर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से वो अपनी कॉन्सनट्रेशन उस रीडिंग मटीरियल पर नहीं कर पा रहा तो टीचर्स ऐसे बच्चों को स्लो लर्नर समझ के जो है वो आ, आ, उनको डांटती भी हैं और अटेंशन नहीं देती लेकिन उन बेचारों का ये प्रॉब्लम चल रहा होता है ब्रेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो आ, गलत लिखेंगे लेटर्स बी और डी उन कंफ्यूज हो जाते हैं डी को इस बी की तरह लिख देंगे बी को डी की तरह लिख देंगे और मैथ्स में नाइन और सिक्स का कंफ्यूजन हो जाता है उनको तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं इनको डिफ़िकल्टीज़ भी हम कह रहे हैं कि जो उनकी रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में प्रॉब्लम करती हैं जो फैक्टर्स तो वो वो डिफ़िकल्टीज़ कहलाती हैं अब रीडिंग के दौरान जैसे मैंने बताया कि वो बच्चा कहता है कि जी वर्ड्स आर डांसिंग दैट ही एक्चुअली कुड नाट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीज वर्ड्स इसी तरह से स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कॉन्सनट्रेसन का इशू भी हो सकता है तो डिसलेक्सिया में मैंने डायरेक्शंस का भी डिफरेंस है बच्चे को राइट right और लेफ्ट डायरेक्शंस का भी नहीं पता चलता तो ये सारी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं लर्निंग में इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर्स भी हैं सीरियस और ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स जब रीडिंग के साथ होगी तो उसको डिसऑर्डर्स कहते हैं डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा लेवल जो है वो कॉम्प्लेक्स है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की नस्बत सीधे सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बाजू बात जैसे टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी भी है ए डी एच डी जिसको हम कहते हैं तो वो कई क्लास के बच्चों में पाई जा सकती जो बड़े बेचैन हैं और एक जगह कॉन्सनट्रेट नहीं करते टीचर uh, की बात को पूरी तरह से नहीं सुनते हिल जुल रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं तो वो तो टीचर कुछ स्ट्रैटीज़ के साथ कंट्रोल कर सकती है लेकिन जैसे ये स्पेसिफिक है डिसेक्सिया है इसके लिए स्पेसिफ़िक जो है स्ट्रैटजीज़ एडॉप्ट करके बच्चे जो हैं किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और बात बेचारे कंसोलिडेट नहीं कर सकते पूरे कॉन्सेप्ट को एक पैराग्राफ में उनको उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है तो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज़ हैं जो टीचर यूज़ कर सकती है इसलिए बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर स्टडी करनी चाहिए लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किसी भी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहीं उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसकी राइटिंग जो है हैंड रॉइटिंग डिसेक्सिक चाइल्ड की वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग uh, होती है लाइंस के बिल्कुल हट के और उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता उससे भी उसकी ब्रेन अटेंशन जो है वो नज़र आ रही होती है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा और अपने आप को एक्सप्रेस भी ठीक से नहीं कर पा रहा तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ कॉमन किस्म की हैं इसी तरह से हैंड रइटिंग जो है बड़ी इस पर रिसर्च हुई और आ, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपका हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है जितना डर्टी हैंड राइटिंग होता है यकीन करें जीनियस और जो स्लो लर्नर्स हैं इनकी काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती हैं स्वाय इंटेलिजेंस के कि ये स्लो और स्लगिश भी हो सकते हैं ये सोशल आइसो सोशली आइसोलेटेड भी होते हैं इनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनते इसके अलावा जो है ये इमोशनली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं चूँकि जीनियर्स को समझने के लिए स्लो लर्नर्स को समझने के लिए टीचर्स पेशेंस का मुजाह नहीं करती वो कहते हैं इन्हे लायक हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते और बच्चे चूँकि आप जब इनको uh, अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते तो ये बेचारे इमोशनल इम्बेलेंस का शिकार भी हो सकते हैं तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज को टैकल करने के लिए टीचर्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के पोटेंशल पर और रीजन एक्सप्लोर करनी चाहिए वाई स्टूडेंट्स आर नाट टेकिंग इंटरेस्ट और नाट शोइंग गुड परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स